सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई यूपी सीडा की बैठक, उद्यमियों के उद्योग लगाने पर बनी सहमति, शासन को भेजा गया प्रस्ताव। मंडलायुक्त ने मंगलवार को मतदाता पुनरीक्षण कार्यों के साथ धान क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण। मतदाता कार्यों में लापरवाही पाने पर सुपरवाइजर लेखपाल का अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई ट्रांसजेंडर समाज की बैठक, उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में ट्रांसजेंडर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की बनी सहमति, गठित हुई कमेटी। शिक्षा के साथ करियर भी कार्यक्रम का हुआ आयोजन, करियर मार्गदर्शन अभियान के तहत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपना करियर चुनने का मिला विकल्प। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित योजना एवं अन्य गतिविधियों की समीक्षा बैठक, मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। भाजपा किसान मोर्चा के नेतृत्व में 28 नवंबर को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह से निकाला जाएगा वृहद ट्रैक्टर रैली, किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री ने दी जानकारी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सांसद विकास निधि एवं विधान मंडल परियोजना के प्रगति की समीक्षा, निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई श्रम विभाग के कार्यदायी संस्थाओं के साथ समीक्षा बैठक, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ श्रमिकों को दिलाने के दिए निर्देश। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को समर्पित रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, लोगों ने अपनी स्वेच्छा से किया रक्तदान, कहा रक्तदान है महादान। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जनपद इकाई ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन किया प्रेषित, मांगों को पूरा करने की मांग। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 225 केंद्रों पर कुल 23,883 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 5,351 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 18,532 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पीएचडी शोधार्थियों ने प्रमोट करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय का गेट बंद कर किया प्रदर्शन, मांगों को पूरा करने की मांग। और कान्हा सेवा संस्थान के तत्वाधान में मंगलवार को आयोजित हुआ शालिग्राम तुलसी विवाह, आर्यनगर से धूमधाम से निकली बारात, शामिल हुए श्रद्धालु।